अपनी तो जैसे तैसे थोड़ी ऐसे या वैसे अपनी तो जैसे तैसे कट जाएगी आपका क्या होगा नाते नाली आपका क्या होगा आइए सर जिनके पल पल दिल के पास को सुनकर हमको मोहब्बत हुई जिनके अरे दीवानों मुझे पहचानों को सुनकर हमें आज ट्यूट आया और जिनका ये मेरा दिल प्यार का दीवाना पे लड़कियां तो लड़कियां एचआर जावेद भाई और मैं भी डांस करता हूँ प्लीज वेलकम आनंद जी भाई अरे रे आप क्यों भाग रहे हैं रनिंग 90 रनिंग का मतलब 19 रनिंग 19 जी सर 19 या 90 नहीं 9 को भूल जाओ 9 इज नो वैल्यू 9 1 1 1 नंबर 1 मैंने 2-3 एपिसोड देखे जी सर मैं समझा कुछ बताऊंगा बच्चों को कि आपको ऐसा करना चाहिए वैसा करनी चाहिए जी कल देखने के बाद ऐसा लगा उनसे मुझे सीखना चाहिए कि ये क्या क्या करना चाहिए समझे ना इतने बच्चे सब तैयार हैं ऑल द बेस्ट हर कोई कमाल का है थैंक यू सर और आइए आनंद जी भाई के लिए हाथ टूटने तक तालियां अपनी को जैसे तैसे थोड़ी ऐसे या वैसे कट जाएगी आपका क्या होगा जनाबे आली आपका क्या होगा बुलाते हैं आज के पहले कंटेस्टेंट को साइली आपका कौन सा सोल्जर इस वक्त लड़ने के लिए तैयार है भैया मैं अभी मेरे टीम से समायरा महाजन को बुलाना चाहूंगी दिल तो है
very good. Super. बहुत अच्छा लगा मुझे. एक नॉर्मल जो फीलिंग होती है ना, दिल को है दिल देखा एक बार, क्या कीजिए. ये गाना गाना भी है और एक क्वेश्चन जैसा भी है. तो पूरा निभाया बच्ची ने, बहुत अच्छा निभाया. ताजुब तो ये लगता है मुझे कि इस एज में बच्चे गा रहे हैं, ताजुब लगता है मुझे. और ये जब आई थी पहले आनंद जी भाई, हाँ, ये बहुत सहमी हुई सी थी, मुस्कुराती भी नहीं थी, बात भी नहीं करती थी, इसके घर वालों को पता भी नहीं था कि ये गाना गाती है. तुमको अपनी याद नहीं आई? याद आई, बिल्कुल याद आई. लेकिन ये इस मंच पे आके, इस मंच ने इसको ऐसा निखार दिया, ये इन सब की ग्रूमिंग से, बच्चों से मिलके, बहुत इसमें चेंज आया है इस मंच पे आके. जोरदार तालियां समायरा और साइलिंग के लिए. वेल डन, थैंक यू वेरी मच. देखो आंख मेरी लड़ी है, अरे रास्ता रास्ता, देखो आंख मेरी लड़ी है, अरे आंख जिससे लड़ी है वो पास मेरे खड़ी है. मुझे जानती है जब से ये मरती है तब से, मैं भी इससे चोरी छुपी चाहता हूँ तब से, तुम मैं या मेरे बस गई. एक कुड़ी फंस गई. अरे ये क्या कह रहे हो, मैंने तो ऐसा कुछ नहीं कहा था. रफ्ता रफ्ता देखो आप मेरी लड़ी है, अरे रफ्ता रफ्ता देखो आप मेरी लड़ी है, अरे आंख जिससे लड़ी है वो पास मेरे खड़ी है. मुझे जानती है जब से ये मरती है तब से, मैं भी इससे चोरी छुपी चाहता हूँ तब से, मैं या मेरे बस गई. एक ही कह रहा, मैं तो इस तरह नहीं क्या. ओए अरे रास्ता रास्ता देखो आप मेरी लड़ी है, अरे आंख जिससे लड़ी है वो पास मेरे खड़ी है. मुझे प्यार सिखाया किसने, किसने मुझे प्यार सिखाया, मुझे प्यार सिखा के दीवाना बनाया किसने, अरे इसने. ये प्यार का कमाल है शराब को जरूर नहीं होना, थस हो गया किसी का भी कसूर नहीं, सांसों में मेरे रस गई. ये कुड़ी फंस गई. अयो इदंदा परिने यान एंगने नु പറഞ്ഞിട്ടില്ലല്ലो. अयो अरे रफ्ता रफ्ता देखो आप मेरी लड़ी है, जिससे लड़ी है वो पास मेरे खड़ी है. मुझे जानती है जब से ये मरती है तब से, मैं भी इससे चोरी छुपी चाहता हूँ तब से, दिल में है ये मेरे बस गई. अरे आनंद सर जी, पोर की फसली रे फसली. अगा हे काय बोलतेस, मी असं तर नव्हतं म्हणलं. अरे ये जबड़ा ये लाजी नको, कि कुछ परफॉर्मेंसेस ऐसे होते हैं जिसके बारे में कोई भी कमेंट करने की जरूरत ही नहीं है, रिएक्शन दिख रहा है. Am I right? It is one of the finest historic performances. अरे ये जबड़ा ये लाजी नको.
साइली, क्या इस वक्त आप प्रत्युष को स्टेज पर भेजने की जुर्रत कर रही हैं? यस भैया, मैं अभी मेरे टीम से भेजूंगी प्रत्युष को। जाते हो या जबरदस्ती करूं? जाता हूं, जाता हूं, जाता हूं। केवल इतना बता दीजिए कि आप हमसे प्यार तो करती हैं ना? नहीं। थोड़ा भी नहीं? नहीं। झूठा भी नहीं? नहीं, नहीं, नहीं। क्या बात है? पल भर के लिए कोई हमें प्यार कर ले, झूठा ही सही। पल भर के लिए कोई हमें प्यार कर ले, झूठा ही सही। क्या बात है! एज क्या है तुम्हारे लिए? सर, मैं 13 इयर्स का हूँ। 13? अभी 6-7 साल के बाद ये गाने होने चाहिए तुम्हारे। पल भर के लिए कोई हमें प्यार कर ले, तुमको तो सारी दुनिया प्यार कर रही है अभी से। थैंक यू सर। पल भर के लिए क्या, सारी दुनिया अभी से कर रही है, हम भी पागल होने लगे। यू आर वेरी गुड। थैंक यू सर। प्रत्युष, तुमने बहुत ही अच्छा गाया और आज तुमने मेल सॉन्ग लिया, अच्छा लगा। फॉर अ चेंज। और बहुत ये एक्सप्रेशन वाला गाना है, किशोरदा के गाने जो सारे। बस मुझे यही कहना था कि वेरी एक्सप्रेसिव गाना और उसने बिल्कुल टाइमिंग टू टाइमिंग हमने बहुत तुझको चुप चुप के देखा। जो इस गाने में सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट था वो दो चीजें थी, कि किशोरदा का अंदाज और देव साहब का अंदाज, और किशोरदा और देव साहब की एटीट्यूड को मिस ना होने देना। वो आउटस्टैंडिंग, वो चीज, इतनी सारी कॉम्बिनेशन ऑफ रिफ्लेक्स एक्शन इन 3 मिनट्स, व्हाट अ ग्रेट परफॉर्मेंस। अंजी भाई, आपने हमेशा हम लोगों को बताया कि आपकी और भाभी की अरेंज मैरिज हुई, राइट? बिल्कुल बिल्कुल, करनी पड़ी। नहीं, लेकिन अरेंज मैरिज हुई हमने सुना थी नहीं, एक्चुअली तो रोमांस था, और आपने दुनिया को ये बोला कि अरेंज मैरिज है। झूठ भी बोलना पड़ता है ना, और प्यार में तो बिल्कुल झूठ बोला जाता है। मोहब्बत की जो दुनिया है ना, वो बहुत ही अलग ही लेवल की है, और आनंद जी भाई मुझे लग रहा है कि उस पूरी दुनिया के प्रिंसिपल है। Am I right? बिल्कुल, क्योंकि सारे मोहब्बत के असली गाने तो आनंद जी भाई और कल्याण जी भाई ने बनाए। Well done प्रत्युष, well done साइली, thank you. पवन, अब किसे बुलाना चाहते हैं? आदि भैया, अब मैं हमारी क्यूट सी परी शाइशा को बुलाना चाहूंगा। जी
जो टाइटल दिया है बेस्ट बच्चे एवर, यू हैव प्रूव्ड दैट. ऐसे बोला नहीं जाता है, सच्चे दिल से हम कह सकते हैं कि बेस्ट बच्चे एवर. दुनिया हिला देनी चाहिए. हम हिल गए हैं, दुनिया भी हिल गई है, तो क्यों ना हो जाए. ओह यस. आपकी ओर से किस दबंग का उतरना इस वक्त वक्त की पुकार है. उनकी आवाज शहद से ज्यादा मीठी है. वाह. और मैं जब जब सुनता हूँ तो मतलब मैं किसी दूसरी दुनिया में चला जाता हूँ. ओह माय गॉड. मेरी टीम से आ रही है आर्यन नंदा. अरे क्या बात है. वाह. शिव कुमार जी के अभी ध्यान हुई है, उनके अच्छे अच्छे गाने थे और मैंने सुना ये अच्छा गा रही है. जी जी. तो उनको याद क्यों नहीं करें हम. डेफिनेटली जरूर. संगीत तो संगीत है. बेटा कोई गाना याद है उनका. आनंद जी भाई की रिक्वेस्ट पर कोई शिव हरि का कोई अच्छा सा गाना सुना दो, है ना. शिव हरि. हाँ जी प्लीज प्लीज. थैंक यू. हो जाए. Good luck. 3, 2, 1, 7. मेरी तन्हाई अक्सर ये बातें करते हैं. तुम होती तो कैसा होता. तुम ये कहती, तुम वो कहती. तुम इस बात पे हैरान होती, तुम उस बात पे कितनी हंसती. तुम होती तो ऐसा होता, तुम होती तो वैसा होता. मैं और मेरी तन्हाई अक्सर ये बातें करते हैं. हालात इधर भी हैं उधर भी. तन्हाई की ये रात इधर भी है उधर भी. कहने को बहुत कुछ है मगर किससे कहें हम. कब तक यूं ही खामोश रहें और सहें हम. दिल कहता है दुनिया की हर एक रस्म उठा देना. दीवार जो हम दोनों में है आज गिरा देना. क्यों दिल में सुलगते रहे लोगों को बता देना. हाँ हमको मोहब्बत है मोहब्बत है मोहब्बत. अब दिल में यही बात इधर भी है और उधर भी है.
Beautiful. कल्याण जी, आनंद जी, भाई के लिए जोरदार तालियां हो जाए। सर क्या म्यूजिक, व्हाट एल्बम्स, क्या गाने, जेन्युइनली सर, मतलब जब तक सूरज चांद रहेगा तब तक कल्याण जी, आनंद जी, भाई का म्यूजिक अमर रहेगा सर, अमर। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं हिल गया हूँ क्योंकि ये बच्चे अभी इतने वेरिएशन के साथ गाते हैं अलग अलग, इनको सिखाना नहीं पड़ रहा है, दिल से गा रहे हैं सब लोग, और स्टाइल भी बड़ा इसका तो पॉपुलर है, लड़कियों में सुना है, कुछ कुछ है क्या ऐसा? नहीं सर, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं ना, हर लड़का यही बोलता है बिल्कुल नहीं, मैं भी यही बोलता हूँ घर पे, बिल्कुल नहीं। चॉकलेट सर, चॉकलेट बॉय तो अलग लेवल पर, आनंद जी भाई हर जगह पे चॉकलेट का सेल बढ़ गया है। हाँ लगता है इसका, मुझे तो चॉकलेट की हमारे टोनल क्वालिटी जो है ना, वॉइस की टोनल क्वालिटी ऐसी मक्खन है ना, इतनी फ्रेश। नीले नीले अंबर पर चांद जब आए, प्यार बरसाए, हमको तरसाए। और अरुणिता तुमने बहुत जबरदस्त ट्रेनिंग दी है, फैंटास्टिक, आउटस्टैंडिंग, वी आर द बेस्ट बच्चेस। थैंक यू सो मच सर, बेस्ट बच्चे एवर। जहाँ पे आनंद जी भाई ने बोला सबसे पहले खड़ा कौन बच्चा हुआ होगा आदि? ऋतुराज। दोनों हाथ वर्ल्ड कप जैसे उसी ने जीत लिया है। इसका क्या स्केल था जरा दीजिएगा जरा। प्यार बरसाए, हमको तरसाए, ऐसा कोई साथी हो, ऐसा कोई प्रेमी हो,
प्यास दिल की बुझा जाए। मैं ये कहना चाहता हूं कि इस गाने में एक ऑक्टिव से डायरेक्ट पूरे उस ऑक्टिव पे जाता है, वो बहुत डिफिकल्ट है, और तुमने कमाल गाया यार, दिल जीत लिया यार। और मुझे लगता है कि है ना, तुमने दुनिया हिला दी यार। चलो एक दो आनंद जी भाई के लिए कहना पड़ेगा, कल्याण जी आनंद जी भाई की जो जोड़ी थी उनके गाने आज ज्यादा फ्रेश लगते हैं यार। लेकिन आनंद जी भाई, इंस्पिरेशन कौन है आपकी, एक बार फिर बताना तो पड़ेगा। ढूंढ रहे अभी तक तो। लेकिन आनंद जी भाई, कभी आपको कभी डांट पड़ी है घर में? कभी का क्या मतलब है? अच्छा, कभी का क्या मतलब है, यानी रोज चालू ही होता है कॉन्स्टेंट? अरे जिंदगी भर यही सुनता है अपनी जिंदगी में क्या क्या। अच्छा। गाने ही बनाए। अच्छा। लेकिन गाने इनके लिए बनाए ना आपने, आपने इतने गाने बनाए हैं। अगर आज भाभी के लिए कोई गाना डेडिकेट करना हो तो एक कौन सा गाना सुनाएंगे आप? हाँ तुम बिल्कुल वैसी हो, अरे वाह, जैसा मैंने सोचा था, ना कसमें है ना रस्में है ना शिकवे है ना वादे हैं, ऐसा ही क्यों ख्यालों में था, ऐसा मैंने सोचा था। हाँ तुम बिल्कुल वैसी हो जैसा मैंने सोचा। हाउ स्वीट। सर के सामने आनंद जी भाई से डर रहा है। Oh,
किशोर दा की ही तरह अंदाज खास छोटे किशोर रोहन दास लेकिन ये रोहन दास है कहाँ एचआर रोहन एचआर सर मैं आ रहा हूँ जल्दी आओ इंतजार क्यों करवा रहे हो जल्दी आओ आ गया क्या बात है खाइके पान बनारस वाला सर और वो भी डॉन के साथ अमिताभ बच्चन जी का स्वागत किया जाए क्या बात है रोहन हमेशा तुम हमें इतना इंतजार क्यों करवाते हो भाई अरे सर मेरा इंतजार तो 12 मुल्कों की पुलिस कर रही है पुलिस कर रही है पर लिटिल रोहन को पकड़ना मुश्किल ही नहीं ना मुमकिन है अरे तारीफ की शुरुआत तो ये हाय क्या किया आपने ये तो नहीं करते थे अमित जी ये हाथ में है क्या लेकिन आदि पता नहीं सर ये क्या है इसमें बहुत सारे लॉलीपॉप्स है लॉलीपॉप लॉलीपॉप हाँ लेकिन क्यों क्योंकि किशोर दा ने पान खा के गाया था वो गाना मैंने ये किस्सा सुना हुआ है किशोर दा के बारे में के खैके पान बनारस वाला किशोर दा ने पान खा के बाकायदगी के साथ में गाया था रोहन खुद को किशोर दा बोलते रहता है तो आज हमने उसको एक चैलेंज दिया है कि अगर उसमें थोड़े से भी किशोर दा का बचपना होगा तो जैसे कि किशोर दा ने मुंह में पान रख के गाया था तो वो मुंह में लॉलीपॉप रख के गा के दिखाएगा आनंद जी भाई वैसे क्या ये जो कहानी बता रहे हैं वो सच है किशोर दा ने वाकई में पान हाँ बहुत सारे पान गाए थे ये गाना गाया था स्टूडियो के गलीचा पूरा खराब कर दिया था हाँ क्या बात कर रहे हैं बाबा बहुत गर्म हुए थे ये क्या हो रहा है सब आप वाप करते थे भाई के पान बना और कितने पान खाए थे सर 12-15 तो खा गए थे अरे बाप रे खाने का टाइम था तो बोले खाना नहीं खाता हूँ यही खाते रहता हूँ आप भी खा लीजिए 10-15 लॉलीपॉप आज और शुरू हो जाइए All the best, Rohan. Okay, Adi, bhaiya. Rohan ke liye taaliya. Oh,
once more. Expression king. आजा बाबा आजा. Hi Rohan. Rohan, तुम यार expression king हो यार. Hi कैसे बोला hi? Hi. कन्या कुमारी. Hi. Hi. Very good, very good. देखो नाच के गाना गाना बहुत मुश्किल होता है इसमें सांस लग जाती है लेकिन तुम्हारी कुछ नहीं हुआ तुम बिंदास गाते गए है ना जोरदार तालियां इनके लिए रोहन यू आर द बेस्ट बॉय क्या बात है रोहू तुम्हारी तो निकल पड़ी आज तो तुमने जो गाया है बहुत मजे से गाया है चबा चबा कर गाया है रोहन ए ये क्या कर रहे हो थैंक यू तो सच में लॉलीपॉप रखा था कि ऐसे पकड़ा हुआ था खाली ऐसे कैसे रख के गाते दिखाओ 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 गाओ अब गाओ एक लाइन गाओ एक कन्या कुआरी हम सूरत पे मर गई हाय 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 कैसी कोरी कोरी वो तिखी तिखी छोड़ी वाह क्या बात है लॉलीपॉप घूमे है असली माल है हिला दो दुनिया रोहन के लिए we
बहुत अच्छा गाया आपने. थैंक यू सर. इस गाने में पूरा मींड का काम है. जैसे आपने वो गाया ना, तुम्हें हम ढूंढते हैं, हमें दिल ढूंढता है, तुम्हें हम ढूंढते हैं, हमें दिल ढूंढता है. नब मंजिल है कोई, न कोई रास्ता है. तो ये जो सारी चीजें तुमने अपने अंदाज में गाई, इसलिए हमें बहुत मजा आया. वेल डन शोएब, वेल डन पवनदीप, जोरदार ताली. पवन, आपके किस पटाखे में इतना दम कि मेरे तीन गिनने से पहले वो मैदान में उतर जाए. अभी मैं बुलाना चाहूंगा हमारे प्रभु प्रांजल. कमाल किया आपने तो. थैंक यू सर. प्रांजल, सुख के सब साथी दुख में न कोई, ये समझ तो बहुत देर से आती है लेकिन आपको इतनी जल्दी आ गई है, बहुत ऊपर वाले की मेहरबानी आप पे. आपने एक बार कहा कुछ कि जीवन गुजारी नहीं जाती है, जीवन जीना होता है. ये हम 60-70 साल के बाद समझे ना, लगा के मंदिर में बैठे हम. वाह वाह, बहुत बहुत शुक्रिया. थैंक यू सर. थैंक यू प्रांजल. थैंक यू पब्लिक.
अरुणिता किसे भेजना चाहती हैं स्टेज पर? आदि भैया अभी स्टेज पे जो आने वाली है वो है मेरी इकलौती शेरनी शायंतनी कांजिलाल। वेरी गुड बेटा, कमाल के बच्चे हैं, समझ में नहीं आती इसकी वॉइस, एज के हिसाब से काफी स्ट्रॉन्ग लगती है। जी 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 जी, क्या कॉन्फिडेंस से गा रही है। अच्छा, ये कोई डर ही नहीं लगता कि भाई हम कहाँ जा के लोग सुनेंगे? डर तो दूर से नामो निशान नहीं डर का, डर इनके आसपास भी नहीं गुजरता। इस गाने को आपने फ्लॉलेस गाया है, आउटस्टैंडिंग, ब्यूटीफुल। Well done, Shantani. Salman Ali, आपका कौन सा सुल्तान मैदान में अगला उतर रहा है? अब मेरे सुल्तान आ रही है हर्षिता।
मोहम्मद दानिश, आपका अगला दबंग कौन है? आदि भैया, अभी जो मेरी टीम से आने वाला है वो है चैतन्य, और आज मैंने एक पिछली बार अलका जी ने एक मेरे को सजेशन दिया था कि चैतन्य को वैसे गाने भी दो जिसमें सॉफ्ट मेलोडी दिखे और स्लो सॉन्ग हो। मैं चाहूँगी तुमसे कभी अच्छा एक स्वीट सा कोई मेलोडियस गाना भी सुनना, क्योंकि वो साइड तुम्हारा हमने सुना नहीं है, ये साइड सुना है। तो आज मैंने मैम चैतन्य को वैसा ही गाना दिया है। बहुत अच्छा किया, बहुत अच्छा। तो मैं भेज रहा हूँ मेरी टीम से चैतन्य को। चैतन्य La 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 की बात है। एक ही बार बोलने में एक बात समझ गए कि क्या इमोशन है, कहाँ पे बोलना है। तेरे भी ना भी क्या जीना, ये जो मजबूरी है इसको कैसे पकड़ लिया आपने। कमाल करते हैं लोग, कमाल करते सच में। थैंक यू सर, थैंक यू सर। साथी कौन है? सांस, अपनी सांस जो होती है। जी सर। जहाँ तक सांस चलेगी वो गाना वहाँ तक चलेगा। साथी रे, ये जब खत्म होगा तेरे बिना भी क्या जीना, सांस नहीं है कि तो नमस्ते सब कुछ, फिर ना तो तुम हो ना मैं हूँ। जी समझे, तेरे बिना भी क्या जीना, क्या ये मजबूरी है उसकी। तेरे बिना भी क्या जीना। कल्याण जी भाई, आनंद जी भाई का एक एवरग्रीन गाना वो जरूर होना चाहिए। क्या
दिखती हो, क्या खूब लगती हो, बड़ी सुंदर दिखती हो, तुम जान हमारी हो, तुम जान हमारी हो, कैसे रहो कहते रहो अच्छा लगता है, जीवन का हर सपना अब सच्चा लगता है। इश्क मेरी जान जरा कबूल कर लो, तुम हमसे प्यार करने की जरा सी भूल कर लो, मेरा दिल बेचैन है, मेरा दिल बेचैन है, हम सफर के लिए, मेरा दिल बेचैन है, हम सफर के लिए, सलाम है इश्क मेरी जान जरा कबूल कर लो, मुझसे सुन सुन के तेरी नजर डब डबा जाएगी, बात दिल की जो अब तक तेरे दिल में थी, मेरा दावा है होठों पे आ जाएगी, तू मसीहा मोहब्बत के मारों का है, हम तेरा नाम सुन कर चले आए हैं, अब दवा दे तू दे दिल जले आए हैं, एक एहसान कर तालियां हो जाए। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।